राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी के आंदोलन के दौरान कई बार मध्य प्रदेश आए। वे पहली बार मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में पहुंचे थे। पूज्य बापू की पहली मध्य प्रदेश यात्रा पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हम आपको बाद में दिखाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की गई। 4 मई 2017 से शुरू की गई इस योजना का लाभ कई वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा है। कटनी जिले में कैसे वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कटनी के रहने वाले गोविंद दास गुप्ता को अब अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन की चिंता से मुक्ति मिल गई है। रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी गोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई वय वंदना योजना के तहत राशि बैंक में जमा करा दी है, जिसकी हर माह मिलने वाली पेंशन से उनका गुजारा आसानी से हो सकेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वय वंदना योजना की शुरुआत की थी। पहले ये योजना 4 मई 2017 से शुरू होकर 3 मई 2018 तक चली, लेकिन पीएम के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के साथ ही इस योजना की अवधि और इसमें निवेश की राशि को दोगुना कर दिया गया। अब इस योजना में शामिल होने के लिए 31 मार्च 2020 तक आवेदन किया जा सकता है। गोविंद गुप्ता के अलावा अजीत साहू और उन जैसे हजारों वृद्धजन इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं और अपने सेवानिवृत्ति के जीवन को आसान बना रहे हैं। खासकर बुजुर्गों के लिए कई योजना आई है, जिससे उनको परिवार पर आश्रित न रहकर नए नए उसमें जो रिटायर होते हैं उनके लिए 8 लाख योजना या 10 लाख की योजना लाई, उसमें विशेष ब्याज का प्रावधान है और उससे वो लाभान्वित होते हैं। इससे मोदी सरकार से बहुत खुश भी हैं। उन्होंने हम सब सीनियर सिटीजन्स के लिए जो एक योजना प्रधानमंत्री वंदन योजना लेके आए हैं, हमें 10 लाख रुपए जमा करके 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त होगा, आजीवन प्राप्त होगा, इसके लिए हम उनके अति आभारी हैं तथा आशा करते हैं कि यह योजना हम बुजुर्गों के लिए एक वरदान साबित होगी। साथ ही हमारा इससे जो बुढ़ापे में दवाइयों का व्यय बढ़ने वाला है वह पूरी तरह से रिएम्बर्स हो जाएगा। मैं समझता हूँ इससे अच्छी योजना अभी तक जीवन में हमारे को देखने नहीं मिली। मोदी जी ने अपनी सरकार आने के बाद में देश में बहुत सारे नए परिवर्तन किए, जिससे देश की जनता को कई योजनाओं का लाभ दिया उन्होंने और नए प्रोग्रामों के अंतर्गत योजनाओं के अंतर्गत गरीबों को, मजदूरों को, महिलाओं को, इन सभी का ध्यान रखते हुए उनका लाभ देशवासियों को दिलाया है उन्होंने।